आप लोग देखा होगा कि हम गए थे डायमंड माइन के लिए, ठीक है। डायमंड माइन करके आए, हम गए नेदर पोर्टल में भी गए थे, ठीक है। नेदर पोर्टल में भाई कौन सा ग्लिच हो रहा था मेरे को नहीं पता चल रहा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा और कैसे वो हो गया था, हमारा सामान चला गया था, वो सब भी मेरे को नहीं पता, ठीक है। आज हम आ चुके हैं न्यू एपिसोड में लाइव स्ट्रीम। जो भी लोगों ने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइव स्ट्रीम का लिंक दे दिया है। मेरा भाई आप सब लोगों को हाय कह रहा है, तो मेरे लाइव स्ट्रीम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ पे जाके आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो और कैसे हमको डायमंड और वगैरह मिले वो आप सब लोग उसमें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेदर पोर्टल भी बनाया हुआ सब कुछ उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने आप सब लोगों को कहा था कि मैं नेदर पर लाइक इसको क्या बोलता है एन्चेंटिंग टेबल बनाऊंगा, एन्चेंटिंग टेबल को बनाने के बाद उसको मैक्स भी कर दूंगा, ठीक है। मैक्स कर दिया लेकिन एक बार में मर गया था, लाइक क्या हुआ ज़ॉम्बीज़ में एक केव में पड़ गया और मेरा सारा एक्सपी चला गया भाई। मेरे पास 17 या 18 एक्सपी था और वो सब एक्सपी मेरा चला गया भाई, मेरे को मिला ही नहीं, एक्सपी नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई भाई। मेरा सामान भी थोड़ा बहुत ही मेरे को मिला, थोड़ा बहुत आई थिंक डिस्पोन हो गया होगा कि यानी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। इसको मैक्स कर दिया, देन मैक्स करने के बाद मैंने पिकैक्स में लगा दिया है भाई। मेरा फर्स्ट पिकैक्स है जिसमें मेरे एंचेंट किया लगाया हुआ है, ठीक है। एंचेंट लगाया हुआ है और पिकैक्स में लगा फॉर्च्यून 2 और अनब्रेकिंग 3 मिला है, ठीक है। मैंने इसको फॉर्च्यून 2 और हॉपर बन जाएगा, कहाँ गए यार हॉपर कैसे बनता था ये भाई, मैं रेसिपी याद मेरे को एक भी रेसिपी, लेकिन हॉपर कहाँ गया यार हॉपर। ओके ये रहा, आई थिंक तीन हॉपर हमारे लिए सही होगा क्योंकि अभी के लिए फिलहाल उतने ज़्यादा हॉपर्स नहीं चाहिए मेरे को। फटाफट से मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, जब हम नेतर पोर्टल जा रहा है नेतर पोर्टल यूज़ करके नेतर में जा रहा है तो मेरे पास कुछ गोल्ड का सामान होना चाहिए, ठीक है। अगर गोल्ड का सामान नहीं पहन के जाएंगे तो वो क्या बोलता है पिगलिंस वगैरह हमको मारने लगेगा, ठीक है। तो यार इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ से मैं गोल्ड मैंने इसके चेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। इसमें रखा हुआ था क्या बोलते फर्नेस में थोड़ा बहुत गोल्ड रखा हुआ था। ओके चलो, चार गोल्ड मिल गए, चार गोल्ड के नगेट मिल गए, इसमें से हम बूट बना लेंगे, बूट को पहन लेंगे, ठीक है। और तो मेरे कुछ सामान पहना हुआ नहीं है फिलहाल के लिए, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और थोड़ा बहुत मेरे को कॉबल स्टोन चाहिए होगा, एक काम करता हूँ जो ये ना इसको क्या बोलते आयरन को यहाँ पर रख देते, सभी चीज़ों को यहाँ पर रख देते थोड़ा बहुत नहीं, कॉबल स्टोन मेरे पास ऑलरेडी है, आई थिंक कॉबल स्टोन मेरे को इसमें रख देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत इससे यार ये हो जाएगा, कॉबल स्टोन से स्टोन बन जाएगा और स्टोन से हम आई थिंक बना पाएंगे हमारा क्या बोलते हैं वो स्टोन ब्रिक ऐसा कुछ बना पाएंगे। ये देख लो इसके पास बहुत ज़्यादा ये है। मेरे को चाहिए था थोड़े बहुत एरो, लेकिन इसमें से एरो आई डोंट थिंक मेरे को मिलेगा भाई साहब, यार ओनली टू ही ये होगा भाई। इसमें से मेरे को मे भी कोल मिल जाएगा, ये देख लो ना इसके पास कितना सारा कोल है यार, इसने कहाँ पे रखा हुआ है कोल को भाई, है ना हमेशा इसमें रखते हैं क्या बोलते हैं फर्नेस में रखते हैं, तो किसी को यूज़ करना हो तो यूज़ हो सकता है। इसमें से मैं थोड़ा बहुत कॉबल स्टोन मैंने निकाल दिया है और इसमें रख देते तो क्या हमारा काम फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। काम करते इसके चेस्ट में मैं देख लेता हूँ क्या पता कॉबल, ओके यार इसके चेस्ट में
इतने ज्यादा स्टोन पड़ा हुआ है। बेसिकली मेरे को इतना ज्यादा स्टोन नहीं चाहिए होगा, लेकिन क्या पता यार, चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। और जो मैंने इसमें रखा हुआ है ये भी ले लेता है और ये भी ले लेता। चलो आई थिंक इतना सामान हमारे लिए काफ़ी होगा। एंड हमारा जो मैं फार्म बनाने वाला हूँ ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी ने बनाया होगा पहले, शायद से ऐसा तो मेरे को लगता है, लेकिन क्या पता किसी ने भी बनाया हो। तो हमारा फार्म होने वाला पिगले एक्सपी फार्म, ठीक है, पिगले एक्सपी फार्म होने वाला है। हाँ आपने सही सुना, मेरे को चेस्ट भी चाहिए होगा। चेस्ट आई थिंक मेरे पास चेस्ट थे, मेरे पास कहाँ चले गए, मेरे कहाँ रख अंदर रख दिए क्या? आई थिंक मेरे पास मेरे चेस्ट थे ऑलरेडी, मैंने चेस्ट को लेके रखा था। एक काम करता हूँ, यहाँ आया हूँ ना, तो मेरे पास जो खाना है ना, इसको भी थोड़ा बहुत है ना पकने के लिए रख दे दे। रॉ बीफ पड़ा है, रॉ मटन पड़ा है, इसको रख दे दे। भाई मेरे पास चेस्ट था, आई थिंक मेरे पास चेस्ट था, मैंने कहाँ पर रख दिया। मैं इसके कोई बात नहीं, मैं इसके में देख लेता हूँ, उसमें देख लेता हूँ, तो क्या पता मेरे को थोड़ा बहुत चेस्ट मिल जाए। भाई मेरे को तीन या छः चेस्ट ही चाहिए होगा शायद से, क्योंकि भाई देखते हैं हम कितना बड़ा बनाएंगे। जितना बड़ा हमारा बनेगा फार्म, उतनी ज़्यादा चेस्ट हमको चाहिए होगा और हॉपर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो काम करो, यहाँ से चेस्ट मैं फिलहाल के लिए तो चार चेस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। चार नहीं, तीन ही बन पाएगा फिलहाल के लिए, तो तीन चेस्ट भी अभी के लिए तो चलेगा। भाई यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी यार, इसको लेना ही मैं रखना ही भूल गया। कोई बात नहीं, हाँ मेरे भाई मेरे को कह रहा है कि उसको आयरन की शवल चाहिए, तो एक काम करता हूँ आयरन की शवल में बना देता हूँ। कहाँ पे गया? और मैंने आयरन किसी में रखा हुआ तो था, लेकिन याद नहीं यार मैंने, यार इसमें रखा हुआ था साथ से, है ना, यार इसमें भी नहीं है आयरन। मैंने ओके, इसमें थोड़ा आयरन था, वन स्टैक इसमें आयरन पड़ा हुआ है, देख लो। काम करता हूँ, शवल कहाँ पे गई है, शवल कैसे, ओके ये रही, शवल बना लेते हैं फिलहाल के लिए तो। और एक मैं शील बना लेता हूँ, ठीक है। और एक काम करता हूँ यार, मैंने है ना शेडर डाउनलोड करके रुका है, तो एक मिनट रुको, मैं शेडर को अप्लाई करके आता हूँ, देन बाद में आपसे थोड़ी ही देर में मिलता हूँ। फिर वे को गाइस, यार मैंने शेडर को अप्लाई कर लिया, एंड देख सकते हो अभी कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है भाई। नाइन या टेन मिनट हो गए वीडियो के, देन बाद में मेरे को याद आया कि हाँ यार शेडर अप्लाई करना तो मैं भूल ही गया, ठीक है। इतने दिन में हमारा फूड भी पक के रेडी हो चुका है, ठीक है। ये काम का तो सील को हाथ में लगा देता हूँ, लेफ्ट वाले हैंड में लगा देता हूँ। यहाँ से मेरे को क्या बनाना था, हाँ इसको शवल देना था, ये ले शवल ले ले। भाई साहब हमारा कासल देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम दिख रहा है यार अभी तो, शेडर को लगाने के बाद हमारा ये भी देख लो कितना ज्यादा ऑसम दिख रहा है। काम करता हूँ फटाफट से नेदर में चले जाता है, एंड जहाँ पे पिगलिन हो गया ना वहाँ पे हम हमारा एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी भाई मैं 9 डायमंड को साथ में लेके क्यों घूम रहा हूँ, आई डोंट नो। A few moments later. लेकिन अभी मेरे को फाइन करना है जहाँ पे पिगलिन हो, ठीक है। थोड़े बहुत भी पिगलिन मेरे को मिल जाए वो जगह भी बहुत ही बढ़िया होगी हमारा एक्सपी फार्म बनाने के लिए, ठीक है। A few moments later. और अभी हमको फाइन करना है जहाँ पे पिगलिन ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं वो वाला एरिया थोड़ी देर में फाइन करता हूँ, थोड़ी देर में देन बाद में आपसे मिलता हूँ। फिर वे को गाइस फाइनली यार मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ चुका हूँ, एंड देख लो मैंने यहाँ पे स्पॉट फाइन कर लिया है जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मेरा एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ भाई, रुक जा, मैंने तेरा क्या बकाड़ा है यार। भाई ये ले गोल्डन, ले ले गोल्डन, ले ले। आई थिंक ये मेरे को मारेगा नहीं अब, प्लीज मारना मत मेरे को ब्रो, प्लीज मारना मत। साइड है ना साले, भाई इसने मेरे को एरो दिए लेकिन फिर भी मेरे को मार रहा है। आई थिंक मेरे को मेरे वन में वापस जाना पड़ेगा। चलो इसने मेरे को कुछ एरो गोल्ड के एरो दिए, स्पेक्ट्रल एरो, स्पेक्ट्रल एरो का क्या मीन होता है वो इसका मेरे को पता नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई मैं गया तो था वहाँ पे, लेकिन 5-6-7 बार मर गया, 5-7 बार मैं मर गया। देन जो मेरा सामान था ना वो मेरे को पता ही था कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि नेतर में ना जाए और मरे ना, वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे को पता था कि मैं मरने वाला हूँ, तो मेरा जो सामान था ना वो डायमंड का, वो डायमंड वगैरह मैंने सब कुछ मैंने ला के एक चेस्ट में रख दिया था बाहर पे, ठीक है। एंड ये देख लो 29 डायमंड्स मेरे पास थे जो मैंने माइन करने के लिए गया था, तो मेरे को मिले थे मेरे वो क्या बोलते हैं फॉर्चून 2 के केक्स की वजह से, ठीक है। भाई मेरे को कुछ गोल्ड का चाहिए होगा, लेकिन मेरे पास गोल्ड खत्म हो गया है यार। तेरे भाई तू भाई नहीं आया, आई थिंक मेरा ब्रदर गोल्ड लाइक नेदर में नहीं आने वाला, तो तेरे शूज दे दे मेरे को। तो भाई इसके शूज ले लेता हूँ, हाँ ये ले पिकेक्स ले रहे तेरी, पिकेक्स में इसको दे देता हूँ, ये ले रहे, हाँ एक्स थी वो, एक्स मैंने इसको दे दिए। चलो एक काम कर, ये ले रहे, ये भी ले रहे, और मैं भी इसको ये भी दे देता हूँ। और जो मैं कोबलस्टोन से बनाने वाला था, ये काम कर यार क्या कर रहा है, ये ले जा जल्दी। तो हाँ जो मैं कोबलस्टोन से बनाने वाला था ना वो अभी मैं कोबलस्टोन मैंने कहाँ पे रख दिया, मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ यार मैंने रख दिए नहीं थे, मैं मर गया था तो मेरे कोबलस्टोन सब चले गए। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल के लिए तो हम हमारा एक्सपी फार्म बना देते,
वुड से बना लेते हैं, प्लैंक से, ठीक है। चलो ये मेरे पास प्लैंक से, हॉफर से, और मेरे को ये चेस्ट भी, मेरे को और चेस्ट मेरे को बनाना है, ठीक है, तो मैं उसको बाद में बता दूंगा। फिलहाल तो अभी यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिकली देख लो, यहाँ पे मेरे को प्लेन एरिया मिल रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा यहाँ पे विजिट आउट लाइक मेरे चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये वाला बढ़िया है, ठीक है, आई थिंक, हाँ ये वाला आई थिंक बढ़िया है। मेरे एक्सपी वगैरह सब चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक्सपी फार्मिंग बना रहे हैं तो हमको एक्सपी मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ठीक है, आपको बता देता हूँ। बेसिकली मेरे को एक ऐसे रखना है, एक ऐसे रखना है, और ऐसा फॉर्म आप सभी लोग अपने में बना सकते हो, अपने वर्ल्ड में, अपने एसएमपी में, सब सब आपकी जो भी चाहो उसमें आप बना सकते हो, ठीक है। और ये हो गया,
यार अभी मैं ऐसे गेम खेल रहा था और मेरे को पता चला कि हमारा एक जो है ये इसको वुपन स्मिथ वो हमको दे रहा है एक बहुत ही अच्छी इसको क्या बोलते हैं यार स्वॉर्ड। और ये क्लिप यार बाद की है, जब मैं ये वीडियो शूट करके एडिट कर रहा था उसके पहले इसको एक या दो ओवर पहले मैं खेल रहा था तब की ये क्लिप है, मैंने शूट कर ली। मैंने सोचा आप सभी लोगों को दिखाऊंगा, तो इसमें फायर एस्पेक्ट और कुछ भी लगा हुआ था तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को दिखा दूँ, इसी वजह से मैंने इस क्लिप को बीच में डाल दिया। एंड हमारा एक्सपी फार्म अभी देख सकते हो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आई थिंक मेरे को ये वाला वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा, और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।